बॉलीवुड में रीमेक बनाने की परंपरा पुरानी नहीं है। जहाँ जितनी ओरिजिनल फिल्में बनती हैं वहीं उतनी ही रीमेक होती जाती हैं। कई बार रीमेक फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो कि अपनी ओरिजिनल फिल्म को ही टक्कर देती हैं। यहाँ टक्कर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अपनी ओरिजिनल फिल्म को पीछे छोड़ पाना किसी भी रीमेक फिल्म के लिए नामुमकिन सा ही होता है, और इसी श्रृंखला में शामिल हो गई है धड़क। यह फिल्म कई कारणों से सायराट को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। धड़क का निर्देशन शशांक केतान ने किया है, जबकि सायराट का निर्देशन नागराज मंजुले ने किया था। यहाँ शशांक केतान की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने इस बेहतरीन फिल्म की जड़ें पकड़कर काम किया है। कहीं भी ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा नहीं किया। फिल्म की कहानी मूल रूप से नागराज मंजुले की ही है, लेकिन धड़क का स्क्रीन प्ले राजस्थान की पृष्ठभूमि पर आधारित करके लिखा गया है। इस फिल्म की दूसरी खासियत यह है कि कलाकारों का अभिनय। जहाँ सायराट में भी नए कलाकार थे, लेकिन वे परिपक्व नहीं थे, शायद फिल्म की पृष्ठभूमि को देखते हुए ऐसा ही किया जाना था। जबकि धड़क में भी जो कलाकार हैं वो जबरदस्त परिपक्व दिखाई दे रहे हैं, भले ही वो डायलॉग डिलीवरी की बात हो या चेहरे के भाव की, सब बेहतरीन है। यहाँ विशेष रूप से ईशान खट्टर की तारीफ करनी होगी, क्योंकि इस फिल्म में जाह्नवी के से ज़्यादा उनका अभिनय बहुत अच्छा है। उन्होंने अपने किरदार को जबरदस्त तरीके से निभाया है। वहीं इस फिल्म के अंदर संगीत के साथ जबरदस्त कमाल किया है इनका टाइटल सॉन्ग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ। उस टाइटल सॉन्ग ने काफ़ी बड़ा धमाका किया। सायराट एक क्षेत्रीय फिल्म होने की वजह से भी इसका संगीत इतना काम नहीं कर पाया, वो सिर्फ क्षेत्र के अंदर ही रह गया, लेकिन धड़क में इसका पूरा ध्यान रखा गया। हालांकि दोनों की ही फिल्मों का संगीत अजय अतुल ने दिया है। अब बात करते हैं कमी कहाँ रह गई। अगर इस फिल्म में कहीं कमी है तो वो है कुछ किरदारों में। जहाँ सायराट के अंदर प्रशांत के दोस्त बाल्या और साल्या के किरदार जबरदस्त तरीके से रियल थे, वहीं इस फिल्म के अंदर गोकुल और पुरुषोत्तम के किरदार इतने खास नहीं नजर आए। इसके अलावा इस फिल्म के अंदर पार्थ्वी के पिता यानी कि आशुतोष राणा का किरदार भी कमज़ोर था, जबकि सायराट में तास्या यानी कि आर्ची के पिता का किरदार सच में खतरनाक लगा था। वहीं अगर बात करें जाह्नवी की तो उनका अभिनय इतना खास नहीं आया, क्योंकि उनकी पहली फिल्म है और वो काफ़ी डरी सहमी सी भी नजर आई। हालांकि ईशान के साथ उनकी केमिस्ट्री शानदार है। अगर आपने सायराट नहीं देखी तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इतनी सरल कहानी को बेहतर तरीके से आप इसी फिल्म में देख पाएंगे। अगर आपने सायराट देखी है तो आप उसका एक नया वर्जन भी देख सकते हैं, और तब तक ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। साथ ही जाह्नवी और ईशान की जोड़ी को पहली बार पर्दे पर तो आपको देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा ही, क्योंकि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक भी लगती है। ये फिल्म ज़बरदस्त है। हालांकि सायराट के आगे निकल पाना इस मूवी के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सायराट से कम नहीं है। आपकी नज़र में ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलेगी सबसे पहले।